सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो गाइज। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हॉटडॉग क्लाउड एमुलेटर के लगभग की तो फिक्स हो ही चुकी है फाइनली, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके बगैर हम गेम तो बिल्कुल भी खेल ही नहीं सकते। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में बहुत कमेंट आए कि हाउ टू फिक्स लैग, तो बिना लैग के मतलब लैग के साथ गेम खेलना तो बिल्कुल बेकार है, मज़ा नहीं आता जरा सा भी, तो इसके बगैर तो गेम हम कैसे खेलें। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, थोड़ा सा उस ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ, मतलब थोड़ी सी कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इसकी लैग को फिक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो क्लाउड गेमिंग होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए होता है। वैसे तो आजकल सब इंटरनेट मतलब सब सिम वगैरह जो है 5G हो चुके हैं एंड आपके पास कनेक्शन है कोई वाईफाई कनेक्शन, तो वैसे भी वो तो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है एंड काफ़ी अच्छी खासी स्पीड इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ऐसे में भी मतलब दिक्कत आती है गेम को चलाने में, इसमें भी मतलब इसके बाद फिर आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके बाद भी आपके इसमें लैग हो रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते हैं हम स्टार्ट, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए गाइस हम आ चुके हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक गूगल प्ले स्टोर से कोई भी अच्छा सा VPN डाउनलोड कर लेना है। मैं ये थंडर VPN डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी से इस्तेमाल मतलब इसी को यूज़ किया है, तो इससे मेरा काफ़ी अच्छा खासा चल गया था एंड इसमें ऐड वगैरह भी नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इसे यूज़ किया। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसको यूज़ करना, आपको जो अच्छा लगता हो जो अच्छी खासी स्पीड आपको दे देता हो उसे आप यूज़ कीजिए। बस आपको एक मतलब VPN कनेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको अपना गेम चला कर देख लेना है, जिससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी थोड़ी बहुत जो लैग है वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो सकती है एंड सेकेंड आपकी क्यों बहुत कम आएंगी एंड जैसे नॉर्मली हम चलाते हैं आप वैसे तो काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपका VPN से, क्योंकि इसमें VPN भी इसके साथ आती है। जो ट्रिक मैंने बताई थी इसके साथ, अगर VPN लगा के आप गेम स्टार्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा स्पीड से आपकी गेम ख़त्म हो जाती है। एंड देखिए गाइस अभी मेरी 100 पर ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक चीज़ और बता दूँ, ये VPN वाली जो ट्रिक मैंने बताई है सबके में वर्क नहीं करेगी शायद, क्योंकि मेरा जो ये फ़ोन ले रखा है मैंने इस टाइम, इस वाले फ़ोन में जो है मेरा VPN से चलता है काफ़ी अच्छा खासा, एंड जो मेरा सेकेंड फ़ोन है उसमें मेरे बिना VPN के काफ़ी अच्छा गेम चलता है, VPN के बाद बहुत लैग करने लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है आपका VPN लगाने से लैग करने लग जाए एंड पहले से काफ़ी अच्छा चलता हो, तो जिसका अच्छा चलता हो वो इसे यूज़ ना करें, वो डायरेक्टली ऐसे खेले उसका काफ़ी अच्छा खासा वैसे ही चल रहा हो अगर। तो ये मैंने उनके लिए बताया जिनका काफ़ी पहले से ही लैग होता है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वे, हो सकता है उनका सॉल्व। वैसे मेरा तो जैसे जिसमें मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ इसमें तो मेरे लैग होता है बिना VPN के एंड VPN लगाने के बाद काफ़ी हद तक मेरी लैगिंग बहुत फिक्स हो जाती है। तो गाइस देखिए आप मतलब अपने हिसाब से खुद करके देख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक वो दिखाया कि हाँ इस तरीके से आप इसकी गेम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आपके पास अच्छा कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो उसके बाद तो आपको अगर आपका गेम काफ़ी सही चल जाता है, वो कभी कभी वो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है नेट में, नेट कनेक्शन में उसकी वजह से थोड़ी बहुत पिन आने लगती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाती है। तो देखिए गाइस हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट एंड सो पर ही हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। बस इसकी जो ये वाली एक चीज़ है क्यों वाली है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसमें VPN कनेक्ट करने के साथ आप जब स्टार्ट करते हैं गेम तो आपको और भी ज़्यादा स्पीड से गेम स्टार्ट हो जाता है। 100 पे ही मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं आप। तो गाइस देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए मेरे इस चैनल को, मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए गाइस थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ फिर उसके बाद चलते हैं। भाई जल्दी स्टार्ट हो जा। गाइस मुझे पता है मैं ज़्यादा पकाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखने के बाद बिना सब्सक्राइब करे कब भाग जाऊँ मेरे चैनल पर से। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ा रहे मेरे आगे, ताकि मैं और भी अच्छी खासी खासी ट्रिक आपके मतलब ला सकूँ और भी इंटरेस्ट आने लगे मुझे वीडियोस बनाने में इस वजह से। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे करे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करे, क्योंकि आपके लाइक की वजह से मेरी वीडियो को यूट्यूब आगे तक पहुँचाता है मतलब और लोगों को सजेस्ट करता है। तो देखिए गाइस हमारा गेम एकदम परफेक्टली रन हो चुका है, बिल्कुल भी हमें लैगिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है अभी फ़िलहाल।
तो गाइस देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को। एंड हाँ, एक चीज़ और बताने वाला था आपको कि अगर आप इसमें 10 नो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में 9 मिनट बताई थी, इसके लास्ट जो है मैंने अभी देखा ध्यान से, तो वो 21-22 मिनट, मतलब 20 मान लीजिए आप, 20 मिनट लास्ट है, 20 मिनट अगर आप 20 मिनट तक इसमें क्लाइम करके खेलेंगे तो आपकी गेम बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगी। तो गाइस बस 20-20 मिनट कर ही क्लाइम इसमें करके खेला है, तो आपका गेम काफ़ी आसानी से इसकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाउड गेमिंग निकल कर आ रहे हैं अब तो इंशाल्लाह इस बार और भी अच्छे क्लाउड गेमिंग के साथ मैं आता हूँ लेकर वीडियो। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।